अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप टिकटॉक आईडी पर नंबर को कैसे चेंज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी अपने आईडी का नंबर चेंज करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने आईडी का नंबर चेंज कर सकते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल को सिलेक्ट कर लें ताकि आप हमारी हर वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों आज का लाइक टारगेट हम रखते हैं 100, तो मुझे यकीन है कि आप इस वीडियो पर 100 लाइक्स कर देंगे, तो जल्दी इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए जी हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं कि हम अपने आईडी का नंबर किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अपना टिकटॉक को ओपन कर लेना है। दोस्तों टिकटॉक को ओपन करने के बाद आपने करना क्या है, यहाँ पर आपने मी पर क्लिक करना है, यानी कि आपने अपने प्रोफाइल में आ जाना है। प्रोफाइल में आने के बाद अब आपने करना क्या है, यहाँ पर ऊपर आपने 3 डॉट पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, सेटिंग आ जाएंगे। अब आपने करना क्या है, यहाँ पर आपको ऊपर ऑप्शन मिल जाएगा मैनेज अकाउंट, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करें उसके बाद आपके सामने सेम कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अब आपने करना क्या है, आप अपने मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने अपने नंबर पर क्लिक करना है, ठीक है। फ़ोन नंबर लिखा होगा और उसके बाद यहाँ पर आपके नंबर होंगे तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सेम आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरीफी फ़ोन नंबर, ठीक है। बिफोर यू चेंज यूअर फोन नंबर वेरीफी यूअर करेक्ट नंबर, तो उसके बाद आपने करना क्या है, यहाँ पर सेंड कोड पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप सेंड कोड पर क्लिक करेंगे अब आपके इस नंबर पर जो है ना एक कोड आएगा, यानी कि जो हमने अभी वेरीफी कर रहे हैं, ठीक है। दोस्तों वेरीफी कोड देने के बाद सेम आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इंटर न्यू फोन नंबर, और यहाँ पर आपने जो है ना न्यू फोन नंबर देना है, जो भी आप चेंज करना चाहते हैं उसको यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर जैसे आप अपना न्यू नंबर देंगे तो नीचे यहाँ पर मैं अपना नंबर दे देता हूँ, ठीक है। दोस्तों नंबर देने के बाद नीचे यहाँ पर लिखा होगा सेंड कोड, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके इस नंबर पर जो है ना एक कोड आएगा, वो कोड दोबारा आपने यहाँ पर पेस्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने इस नंबर पर जो है ना पहले से एक जो है ना आईडी बनाया हुआ है, इसलिए ये कह रहा है कि दिस फोन नंबर इज ऑल रेडी टेकन। तो यहाँ पर आप जैसे ही अपना मोबाइल नंबर देंगे सेंड कोड पर क्लिक करेंगे तो आपके आपके नंबर पर एक कोड आएगा, वो कोड आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है, उसके बाद आपका जो नंबर होगा वो चेंज हो जाएगा। दोस्तों बाकी आप इसी तरीके से अपने जो है ना मोबाइल नंबर को चेंज कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी से लाइक करें और 100 लाइक टारगेट है तो उसे भी आप कंप्लीट कर दें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।